पहले ही बता देता हूँ, streamlabs.com इसको सर्च करके आपको स्ट्रीमलैब का जो डाउनलोड ऑप्शन आएगा उसको आप डाउनलोड कर लेना। देन आपको आप साइनअप एक्सेट्रा कॉल कर लेना, देन आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, अगर मैं इस वीडियो में कुछ भी मिस करता हूँ तो बाद में बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर पहले सेटिंग्स पे जाकर आउटपुट पे जाइए। मैं कुछ सेटिंग्स पहले बता देता हूँ, वो मेन है पर आप डिफॉल्ट भी रख सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, सेटिंग्स से जाकर आउटपुट पे जाइए। देन यहाँ पर पहले जो था आउटपुट बोर्ड, सिंगल से एडवांस कर देना, स्ट्रीमिंग ऑडियो ट्रैक 1 कर देना, देन एनकोडर सॉफ्टवेयर 264 इसको रखना। ठीक है, ये तीनों आउटपुट में सेटिंग्स करने के बाद यहाँ पर टिक रहना चाहिए, एनहांस स्ट्रीमिंग एटसेट्रा, ये टिक रहना चाहिए। देन यहाँ पर जो रेट कंट्रोल है वो CBR आपके सामने रहेगा, उसको आप CBR ही रहने देना। देन आता है बीट रेट। बीट रेट यहाँ पर YouTube जो रिकमेंड करता है 7500 4500 से 900 बीट रेट तक, तो हम मिडिल में एक रखेंगे 7000। आपके नेट के मुताबिक आप अगर वाईफाई अच्छा यूज़ करते हो तो 9000 ही रख देना। यहाँ पर मैं 7000 कर दिया तो 6999 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर और जो चीज़ेस है ये सब डिफॉल्ट ही रहने देना। CPU यूसेज प्रेजेंट वेरी फास्ट, प्रोफाइल नान, ट्यून नान। ठीक है, ये सब स्ट्रीमिंग के लिए जस्ट आप नॉर्मल रख सकते हो, क्योंकि CPU यूसेज वेरी फास्ट, अगर अच्छा आपका कंप्यूटर लैपटॉप है तो अच्छा रखने देना। ठीक है, नहीं तो मीडियम एक्सेट्रा कर देना। और प्रोफाइल यहाँ पर आप हाई कर सकते हो। ठीक है, हाई अगर आपका लैपटॉप गेमिंग लैपटॉप है या कंप्यूटर में गेमिंग अच्छे तरह से आप चला सकते हो, कोई लैग नहीं होता है, तो ज़रूर अच्छे रखना। और अगर अच्छा नहीं है तो इसको स्लोअर रखना, क्योंकि उससे ही आपको ज़्यादा फायदा है। ठीक है, इसके बाद डन पे क्लिक कर देना। ये हो गया आउटपुट का सेटिंग्स कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पर और भी कुछ सोर्सेस एटसेट्रा एडेड है, मैं उसको बाद में दिखाऊंगा। देन आप आइए यहाँ पर, फिर आउटपुट पे जाना। यहाँ पर आप हम लोग तो स्ट्रीमिंग में कुछ किए थे, अभी करते हैं। चलिए, स्ट्रीमिंग में जो कुछ सेटिंग्स था वो मैंने बता दिया, अभी चलते हैं रिकॉर्डिंग में। रिकॉर्डिंग में ये कहाँ पर आप रखना चाहते हो वो ब्राउज करके एक पोजीशन यहाँ पर कर देना। रिकॉर्ड होने के बाद मैं लोकल डी कर दिया। ठीक है, तो और कुछ अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो रिकॉर्डिंग का। तो ये जो रिकॉर्डिंग है ये भी ये जो स्ट्रीम लैब ऐप से है उसका ही है। ठीक है, तो कौन सा फाइल आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, किस फॉर्मेट में, तो MP4 कर दिया। ऑडियो ट्रैक 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, जितने सारा सोर्सेस रहेगा वैसे आप अलग अलग करके रिकॉर्डिंग कर सकते हो आपने। वो अभी एक ऑडियो ट्रैक है, मैं दो ऑडियो ट्रैक करूँगा, एक डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट है और एक बाहर का। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत सारा ऑडियो ट्रैक यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं 1 को चेंज करके 2 3 ऐसे कर दिया। ठीक है, जितना जो जो ट्रैक हमने यूज़ किया है उस ट्रैक को 1 2 3 करके उस ट्रैक को हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। सोर्सेस क्या होता है अभी मैं बता दूंगा, ये उसके बारे में है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग स्ट्रीमिंग भी सॉफ्टवेयर से ही किया था, तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी सॉफ्टवेयर से ही करेंगे। ठीक है, अभी इसको ही, अगर आपका बीट अच्छा रहे तो ज़रूर सॉफ्टवेयर से ही करें, अगर आपका लैपटॉप अच्छा रहा तो। और कुछ कुछ जो है बीट रेट, रेट कंट्रोल, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, सेम स्ट्रीमिंग जैसे करते हो रिकॉर्डिंग भी वैसा सेम ही आप कर सकते हो। मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा सा लो रेट में कीजिए, कोई बात नहीं। अभी चलते हैं ऑडियो में। ऑडियो में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑडियो बीट रेट जो है ऑडियो ट्रैक का, तो वो आप 320 कर सकते हो। देन ऑडियो बीट रेट ऑडियो ट्रैक का ऑडियो बीट रेट वो भी 320 कर देना। ओके, इससे आपका रिकॉर्डिंग भी अच्छा होगा, स्ट्रीमिंग भी अच्छा होगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं स्ट्रीम में, कहाँ पर हम स्ट्रीम करेंगे यहाँ से ही हम ठीक कर सकते हैं। अगर आप एक प्लेटफॉर्म में करना चाहते हो तो एक बार में ही, अगर आप प्राइम मेंबरशिप ना लो तो एक बार में ही जस्ट एक प्लेटफॉर्म में ही कर सकते हो। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा में करना चाहते हो तो आपको एक से ज़्यादा लॉगिन करना पड़ेगा, प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा। देन यहाँ पर ऑडियो में जाना, सिलेक्ट ऑसम करके 48 kHz कर देना, चैनल्स को स्टीरियो ही रहने देना, डेस्कटॉप ऑडियो, यहाँ पर स्पीकर, यहाँ पर आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, ये आप बाद में भी चेंज कर सकते हो, डेस्कटॉप ऑडियो, स्पीकर एट्सेट्रा, ये सब आप बाद में भी चेंज कर सकते हो जब आप सोर्स को ऐड करोगे। ठीक है, तो मैं जो बोला था सेटिंग्स आप डिफॉल्ट भी रख सकते हो और ऐसे करके आपका पहले से ही चेंज करके रख सकते हो। अगर आप
बहुत ज़्यादा स्ट्रीमिंग करते हो, बहुत ज़्यादा आपका नॉलेज हो गया है। तो अभी ऑडियो के बाद वीडियो, वीडियो में तो 1920x1080 करना, अगर आपका, अगर आप यूट्यूब में स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो वैसे ही करना होगा, आउटपुट भी वैसा ही करना होगा, ठीक है। तो यही सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, 1080p में एक्सपोर्ट होता है। तो देन FPS 60 करना फ्रेम पर सेकेंड। देन हॉट कीज़, अगर आप कम वक्त में कंप्यूटर में कुछ टाइप करके हॉट की देना चाहते हो कि ए से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए, वैसे आप दे सकते हो, ठीक है। अभी चलते हैं एडवांस में। एडवांस में हम लोग प्रोसेस प्रायोरिटी को अबव नॉर्मल करेंगे, देन और कुछ आपको चेंज करना नहीं पड़ेगा। एडवांस में आप डन कर देना और लौट के आना मेन जो इंटरफेस है वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मेन जो इंटरफेस है वहाँ, उसके बारे में मैं सिखा रहा हूँ। यहाँ से मेन चीज़ स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ऐड सोर्स करने के बाद ऐसे सा आपके सामने चला आएगा। यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा मीडिया सोर्स। मीडिया सोर्स में आप कुछ भी ले सकते हो, गाना, वीडियो, ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर उसका एक नाम डाल देना। मैं यहाँ पर सीन जो है सीन में रखा हूँ प्री लाइव, ठीक है, लाइव आने की पहले प्री लाइव, प्री लाइव। मैं यहाँ पर प्री लाइव SS वीडियो, एक वीडियो मैं डालूँगा, लूप में रखूँगा और एक ब्राउज करके एक वीडियो को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ से एक मैं प्री लाइव का जो मैंने बना कर रखा है उस वीडियो को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ओके, 59, 57, 58, 56 ऐसे करके एक टाइमर चल रहा है। ओके, स्ट्रीम स्टार्टिंग इन, ऐसे आप गेमिंग में भी कर सकते हो। इस वीडियो को कैसे बनाना है उस वीडियो को मैं बना दूंगा, ठीक है, और एक वीडियो बना दूंगा इस चैनल में ही, आप देख लेना। तो यहाँ पर एक साउंड भी है, तो ऐसे एक वीडियो मैं सोर्स में दे सकता हूँ। ऐसे ही सोर्स आप मीडिया सोर्स में कुछ भी गाना, कुछ भी वीडियो जो ऑटोमेटिक पहले से है उसको आप सिलेक्ट करके यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि ये लूप लूप में चलेगा, तो जीरो होने के बाद फिर लूप में चलाएगा वीडियो एंड होने के बाद। तो यहाँ पर मैं लाइव में अभी आया हूँ, लाइव लाइव में, प्री लाइव तो हो गया, सीन में लाइव में गया हूँ। तो यहाँ पर एक इमेज को मैंने सिलेक्ट किया है, तो इसको मैं ट्रांजिशन कुछ दे सकता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाकर कुछ भी रेशियो चेंज कर सकता हूँ 16:9 से, ठीक है। इमेज फिल्टर कुछ दे सकता हूँ, कुछ भी आप हम दे सकते हैं। ये भी मैंने मीडिया सोर्स से ही एक पिक्चर को दिया है। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक स्लाइड शो सिलेक्ट किया है, 5 वीडियोज़ है यहाँ पर, तो वो सब चेंज होते रहेगा जब हम स्टार्ट करेंगे। जब सीन हम चेंज करेंगे डायरेक्ट प्री लाइव में चले जाएंगे, तो प्री लाइव का जो है उस वो सब शो करेगा, और प्री लाइव के बाद जो हम लाइव में आएंगे लाइव का सब कुछ शो करेगा। ये देखिए स्लाइड शो चलने शुरू कर दिया है। मैंने 20 सेकेंड्स, सॉरी, एक मिनट का टाइम, एक मिनट का जो चेंजिंग टाइम उसको रखा है, तो एक मिनट बाद बाद ये स्लाइड शो चेंज होगा। तो ऐसे प्री लाइव, लाइव और सोर्सेस ऐड करना होता है। तो यहाँ पर और एक सोर्स को हम ऐड करके दिखा देंगे। यहाँ पर अलर्ट बॉक्स है, अगर कोई ने आपको सब्सक्राइब किया है एट्सेट्रा किया है तो अलर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अलर्ट बॉक्स में क्या क्या हम डाल सकते हैं, एक सुपर चैट भी डाल सकते हैं, ठीक है, डोनेशंस डाल सकते हैं, मर्च डाल सकते हैं, सब्सक्राइबर्स डाल सकते हैं, मेंबर्स, क्लाउड स्टोर, क्लाउड बोर्ड स्टोर, ठीक है, इस सबको आप ऑन कर देख सकते हो। अगर आपको कुछ कुछ नहीं चाहिए मर्च, ठीक है, जैसे कि मार्च अभी मैं नहीं करूँगा तो इसको भी आप करूँगा, क्लाउड बोर्ड स्टोर इसको भी आप करूँगा। ऐसे बहुत सारा विजेट है, सीन और सोर्सेस आप खुद ब खुद देख कर कर सकते हो, ठीक है। हम लोग कैसे, अगर पहले से किसको, किसी को मैंने, हमने रेडी करके रखा है, तो किसको कैसे चेंज करें, तो उसमें सिलेक्ट करके यहाँ पर हम लोग को जाना पड़ेगा राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में जाकर हम लोग को यहाँ पर उसका प्रॉपर्टीज़ चेंज करना होगा। टेस्ट विजेट जो जो हमने दिखाएगा वो सब हम चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में जाकर। ओके, और फिर लौट के आता हूँ। यहाँ पर रिसर्च करने के लिए हम जस्ट माउस को ही यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर हम लोग जो आई वाला बटन है तो उससे हम देख सकते हैं कि कैसा दिखाएगा, और लॉक वाला एक बटन है उससे हम लोग लॉक कर दे सकते हैं ऑटोमेटिकली। यहाँ पर हमारा एक लैपटॉप का जो ऑटोमेटिक
कैमरा है उसको मैंने कैमरा के लिए यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। ओके, तो एड सोर्स, तो हम लोग जब स्ट्रीमिंग करेंगे पीछे एक बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन रख सकते हैं। ग्रीन स्क्रीन का अलग मैं अलग वीडियो डाल दूंगा। ग्रीन स्क्रीन को यूज़ करने के बाद हम लोग क्रोमा की यूज़ करके ग्रीन स्क्रीन को हटा सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो कैमरा हो गया, ऑडियो सोर्स, ऑडियो सोर्स बहुत बड़ा चीज़ है। तो उसके पहले हम लोग चैट बॉक्स को दिखा देते हैं। तो चैट बॉक्स यहाँ पर ऐड सोर्स करके यहाँ पर चैट बॉक्स नाम दे सकते हो, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। देन मैं योर चैट ऐसे हम लिख देंगे। ये सब स्ट्रीम के वक्त में शो नहीं करता है, ठीक है। तो ये उतना भी ज़्यादा कुछ नहीं है, आप जिस लैंग्वेज में समझते हो उससे ही आप समझ सकते हो। तो उसके डाउन करने के बाद उसका एक साइज़ आपको मेंटेन करना पड़ेगा। साइज और किस मतलब कैसे दिखेगा वो सब आप यहाँ पर सेटिंग्स में, प्रॉपर्टीज़ में जाकर आप खुद ब खुद चेंज कर सकते हो। ओके, ये उतना कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ सेम चीज़ ही है। फॉन्ट सेटिंग, फॉन्ट साइज़, ये सब चेंज कर सकते हो, ठीक है। देन डन कर देना। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑडियो सोर्स और गेम कैप्चर के बारे में मैं थोड़ा सा बाद में बताता हूँ। विजेट आप टेस्ट कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। स्ट्रीम करने से पहले आप रिकॉर्ड कर लेना, यही मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर स्ट्रीम गो लाइव में जाने के बाद आपको इवेंट एक डालना पड़ेगा। इवेंट का एक नाम डाल देना, देन टाइटल एक डाल देना। ओके, टाइटल डालने के बाद एक डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन यहाँ से आप चेंज नहीं कर सकते हो, मतलब कॉपी करके चेंज नहीं कर सकते हो, आपको लिखना पड़ेगा। मैं बताऊँगा कि आप यूट्यूब में जाकर डिस्क्रिप्शन में लाइव होने के बाद इसे डिस्क्रिप्शन में चेंज कर देना। ओके, या प्री लाइव जब चल रहा है तब आप चेंज कर देना। उसके बाद प्राइवेसी है, कैटेगोरी है, थंबनेल है, जैसे आप यूट्यूब में देते हो सब कुछ यहाँ पर ही डाल देना। देन कॉन्फर्म एंड गो लाइव में चले जाना, ठीक है। और नॉर्मल लेटेंसी इसको नॉर्मल ही रखने देना। तो कुछ ही देर बाद यहाँ पर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूँ इन स्ट्रीम के, यहाँ पर अगर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो चुका है तो यहाँ पर आप यूट्यूब में भी देख सकते हो कैसे दिख रहा है। यहाँ पर आपके जो चैट्स है वो आप लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में देख सकते हो। ऐसे आप चेंज करके करके रिसाइज करके देख सकते हो। यहाँ पर जो रेड बटन है एंड स्ट्रीम का, वहाँ पर एंड ऐसे आप एंड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी प्राइवेट में ही, सॉरी पब्लिक में ही किया था, उसको मैं डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं ऑडियो सोर्स के बारे में बताता हूँ। जो मीडिया सोर्स था, मीडिया सोर्स से आप किसी ऑडियो को, किसी गाना को लूप में चला सकते हो। तो ऑडियो में जाने के बाद हमारा दोनों वॉइस है, एक हमारा गेम का है वो आप गेम से डिफॉल्ट करके ले सकते हो, ठीक है। और या मोबाइल से डायरेक्ट आप ले सकते हो पावर मिरर के या किसी यूएसबी के मुताबिक, यूएसबी से। तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा कि 300 रुपीज़ के अंडर कैसे आप स्ट्रीमिंग कर सकते हो, ठीक है। वो एक बात है, और अपना वॉइस का आप लैपटॉप का जो माइक है उसको ही यूज़ करना। अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हो तो एक्सटर्नल एक माइक 200 रुपीज़ का खरीद लेना। और अगर आपका गेम कैप्चर करना चाहते हो तो गेम कैप्चर भी आप यहाँ पर, विंडो कैप्चर है, विंडो कैप्चर करना या गेम कैप्चर डायरेक्ट करना, तो ऐसे ही आपको स्ट्रीम करना है। ओके, बहुत इजी है, थोड़ा सा यूज़ करना, प्रैक्टिस करना, तो आपके समझ में रियली आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई दिक्कत आए तो इंस्टा पे मैसेज करना या कॉमेंट करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।